अखिल भारतीय लेदर बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 का दूसरा सेमीफाइनल आज LBC दिल्ली एवं RCC वनखेड़ी के बीच खेला गया। दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले वनखेड़ी को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। निर्धारित 25-25 ओवरों के मैच में दिल्ली 186 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जवाबी पारी खेलने उतरी दिल्ली की टीम 158 रनों पर सिमट गई और RCC वनखेड़ी ने यह मैच 26 रनों से जीत लिया। दिल्ली की ओर से तेजस ने 54 रन, परवीन ने 31 रन बनाए। RCC वनखेड़ी के रितेश गुड़केन को मैन ऑफ द मैच चुना गया, जिन्होंने 55 रन बनाए एवं 3 विकेट लिए। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ जीते हुए खिलाड़ियों को, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और आयोजनकर्ताओं को कि वो निरंतर इसको बनाए रखें, जो विगत 20 वर्षों से चलता आया है, आगे भी चलता रहे, क्योंकि ये मध्य प्रदेश लेवल का है तो ये चलता रहे, यही हमारी शुभकामनाएं। क्रिकेट का जो इतिहास है काफ़ी पुराना है, यह 1975 से इस ग्राउंड में टूर्नामेंट का आयोजन होता जा रहा आ रहा है। पहले यंग स्टार क्लब के माध्यम से यहाँ टूर्नामेंट का आयोजन था, उसके बाद लायंस क्लब ने अपनी यह जवाबदारी संभाली है और लगातार 20 वर्षों से इस टूर्नामेंट को का आयोजन कर रही है। अगले वर्ष हम इस ग्राउंड में 50वां वर्ष मनाएंगे और लायंस क्लब के साथियों के जो उत्साह देखते हुए वो 50वां वर्ष का टूर्नामेंट एक अलग धूमधाम से मनेगा और पूरे मध्य प्रदेश में इकलौता यह टूर्नामेंट होगा। ऐसी मैं लायंस क्लब को बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। शामिल होने का अवसर मिला, बहुत ही अच्छा आयोजन, आयोजन समिति एवं गाडाबारा के युवा लोग करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं। राज्य स्तरीय टूर्नामेंट यहाँ पर लेदर बॉल का होता है जो कि बिरले ही जिलों में होता है, हमें बड़े गौरव की बात है। बहुत ही अच्छा आयोजन, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी रहती हैं, बाकी यहाँ सारे लोग इसमें सहयोग करते हैं, सभी संभ्रांत लोग जुड़े हैं, काफ़ी अच्छी प्रतियोगिता होती है और सभी लोगों का प्रयास है कि इस ग्राउंड को और अच्छा बनाया जाए जिससे हम इससे भी बढ़कर प्रतियोगिता करा सकें। गाडरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।